हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप गुरु यूट्यूब चैनल। आई एम योर मेंटर सिद्धार्थ। पिछले जो टॉपिक थे, पिछले जो करंट अफेयर्स का जो सेशन था, उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था रिलेटेड करंट अफेयर्स। उसी पे बेस हम कुछ करंट अफेयर्स के एमसीक्यू लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु रोट द फोरवर्ड फॉर द बुक द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसेना हिल्स? ऑप्शन ए किरण बेदी, ऑप्शन बी कस्तूरी रे, ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी रूपा पब्लिकेशंस। अपने आंसर्स को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए किरण बेदी। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ये बुक के जो राइटर है शी इज कस्तूरी रे, पर जो फोरवर्ड है वो लिखा गया है किरण बेदी द्वारा। ठीक है, किरण बेदी से रिलेटेड मैंने आपको चीज बताई थी कि शी इज द फर्स्ट, शी इज द फर्स्ट फीमेल टू ज्वाइन या फर्स्ट वुमेन टू ज्वाइन इंडियन पुलिस सर्विसेज। ठीक है, रायसेना हिल्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था इट इज द एक्सटेंशन ऑफ अरावली हिल्स। तो अरावली हिल्स जो आपकी दिल्ली तक जाती है उसका एक्सटेंशन ही दिल्ली पे क्या कहलाता है, रायसेना हिल्स। एंड रायसेना हिल्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रेसिडेंट हाउस इज सिचुएटेड ऑन दिस हिल्स। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो फोरवर्ड लिखा था किरण बेदी ने और बुक लिखी थी कस्तूरी रे ने। द्रौपदी मुर्मू इज फ्रॉम सांथल ट्राइब, फ्रॉम सांथल ट्राइब, एंड बाय डिफीटिंग यशवंत सिन्हा शी बिकेम द फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड बाय डिफीटिंग यशवंत सिन्हा हु वॉज हर कंटेस्टेंट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन शी बिकेम द फर्स्ट ट्राइबल, पहली ट्राइबल वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, बट शी इज नॉट द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज श्रीमती प्रतिभा पाटिल। क्लियर है? सांथल ट्राइब जो है हमारी झारखंड स्टेट में है और सांथल ट्राइब का रोल बहुत ही प्रोमिनेंट रहा है इन आर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी दैट किरियाकोस मित्सोताकिस लीड्स इन ग्रीस? किरियाकोस मित्सोताकिस कौन से पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं जो ग्रीस में हैं? ठीक है, ऑप्शंस है हमारे न्यू डेमोक्रेसी, सिरिज़ा, गोल्डन डॉन, मूवमेंट फॉर चेंज। तो इसका करेक्ट आंसर इज न्यू डेमोक्रेसी। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है न्यू डेमोक्रेसी। किरियाकोस मित्सोताकिस जो है सेकेंड टाइम ही हैज बीन इलेक्टेड एज द पीएम ऑफ ग्रीस। मैंने आपको फिर ये बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो आर्टिकल है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग जनरल इलेक्शंस आफ्टर 5 ईयर्स, वो है हमारा आर्टिकल 324। कैसे याद रखेंगे? वो सारे लोग जो 18 ईयर्स के अबव के होते हैं वो सारे लोग वोट कर सकते हैं। अगर हम 18 का स्क्वायर करें तो वो कितना आएगा, 324। तो एक निमोनिक्स हम बना सकते हैं कि 18 से ऊपर साल के लोग जो हैं वो वोट डालते हैं, और 18 का स्क्वायर करके हम इजीली याद रख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल क्या है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल इज 324। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो हमारे इसके प्रीवियस वीडियो में, जिसमें मैंने इस टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द आर्टिकल ऑथर्ड बाय आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर माइकल देवरत्ता पात्रा एंड अदर आरबीआई ऑफिशियल दैट डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ठीक है, ऑप्शन ए स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, ऑप्शन बी इन्फ्लेशन एंड कंजम्पशन, ऑप्शन सी मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, ऑप्शन डी इकोनॉमिक आउटलुक. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्टेट ऑफ द इकोनॉमी. मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लेशन का डेफिनेशन क्या होता है. इन्फ्लेशन का डेफिनेशन होता है प्राइस राइज. अगर हम किसी भी गुड्स और कमोडिटी का प्राइस राइज होता है तो उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन. ऐसे समझ सकते हैं कि 5 kg ओनियन अगर वो 50 rupees का था, कुछ मंथ्स बाद अगर वो 55 का हो गया, सेम 5 kg, उसके बाद 5 kg आपका 60 का हो गया, तो देर इज़ अ जनरल ट्रेंड दैट द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी इज इंक्रीजिंग. कमोडिटी का जो क्वांटिटी है बीइंग द सेम, जैसे 5 kg 50 का था, 5 kg ही 55 का है और 5 kg ही 60 का है. तो देर इज अ जनरल ट्रेंड विच इज सीन दैट द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी इज इंक्रीजिंग. हैंस वी कैन से दैट दिस जनरल राइज इन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड कमोडिटी इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. इसी को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन. अगर सामान महंगा होने लगेगा तो हम अपना कंजम्पशन कम कर देंगे. कंजम्पशन कम करेंगे मतलब हम चीज़ों को कम खरीदेंगे, हम एक्सपेंडिचर ही अपना कम कर देंगे. तो जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से एक्सपेंडिचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है. फिर मैंने आपको बताया था कि आरबीआई 1935 में आया था और आरबीआई का हेडक्वार्टर इज इन मुंबई महाराष्ट्र, और आरबीआई के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड कमोडिटीज. विजावी आरबीआई का कंट्रोल है कि वो इन्फ्लेशन को कम रखे. ठीक है, तो इन्फ्लेशन को टारगेट करना और इन्फ्लेशन को बैलेंस करना इज द सोल ड्यूटी ऑफ द आरबीआई. आरबीआई ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के थ्रू करता है. अलग अलग रेट्स हैं हमारे पास, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट. ठीक है, ये कुछ ऑप्शंस हैं जो वो यूज करता है टू मेंटेन द लिक्विडिटी इन द इंडियन इकोनॉमी. ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, पर आज के लिए हम विल कन्फाइन टू दिस थिंग ओनली. अगला क्वेश्चन जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है, हु कंपेन्ड अमित शाह एट द इनॉग्रेशन ऑफ द बलिदान स्तंभ. बलिदान स्तंभ पे अमित शाह को किसने अकंपेन किया. ठीक है, ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी मनोज सिन्हा, ऑप्शन डी महबूबा मुफ्ती. ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है मनोज सिन्हा. ही इज मनोज सिन्हा द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो अच्छा, यहाँ पे ये बताते हुए कि बलिदान स्तंभ हमने फाउंडेशन स्टोन रखा कहाँ है इसका, तो फाउंडेशन स्टोन इसका रखा है हमने श्रीनगर में. फाउंडेशन स्टोन रखा है हमने श्रीनगर में. ठीक है, और ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये सिग्निफाई कर रहा है कि जो हमारे ब्रेव सोल्जर्स हैं जिन्होंने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किया है हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी और सेफ्टी में, तो ये उनको एज अ ट्रिब्यूट हम इसको वहाँ पे खड़ा कर रहे हैं, दैट इज बलिदान स्तंभ. क्लियर है, कहाँ पे, श्रीनगर लाल चौक. इसी से रिलेटेड मैंने स्मार्ट सिटी बताया था, तो स्मार्ट सिटी से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं, उसमें मैंने स्मार्ट सिटी के क्या पिलर्स हैं, किस ईयर में आया था, ये मैंने पूरी तरह से डिस्कस किया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. व्हाट इज द थीम ऑफ एमएसएमई डे 2023 इन इंडिया. एमएसएमई डे 2023 इसकी थीम क्या है. फ्यूचर रेडी एमएसएमई फॉर इंडिया एट 100, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर फ्यूचर टुगेदर, MSME is the key to recovery, MSME is the engine of growth. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्यूचर रेडी MSME फॉर इंडिया एट 100. ठीक है, एट 100 इसलिए है क्योंकि 1947 में वी गॉट इंडिपेंडेंस एंड 2047 विल बी द 100th ईयर ऑफ आर इंडिपेंडेंस.
करेंटली जो चल रहा है वो है 75th ईयर और इसी को पूरा हम क्या बना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव। MSME डे बनाया कब जाता है, 27th जून हर साल, एवरी ईयर 27th जून इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड MSME डे। एंड MSME इज द बैकबोन ऑफ आर इकोनॉमी, ठीक है। जैसे छोटे छोटे नट बनाना, बोल्ट बनाना, ये सारे काम कौन कर रहा है, MSME। जूट मेकिंग इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, उसके बाद आपकी बीड़ी इंडस्ट्री हो गई, बैग इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, मैच बॉक्स इंडस्ट्री हो गई, जो कि बहुत ही लार्ज स्केल पे काम नहीं कर रही है पर एक इंटरमीडियरी की तरह काम कर रही है और बड़े इंडस्ट्रीज को गुड्स भेज रही है, सप्लाई कर रही है, वो है हमारी MSME। तो MSME, सिंस MSME इज द बैकबोन ऑफ अ कंट्री, ऑफ आर इकोनॉमी, इसीलिए हम उसे क्या कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंफोसाइज कर रहे हैं और फ्यूचर रेडी MSME फॉर इंडिया एट 100 की तरह उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs रिगार्डिंग द टॉपिक्स विच वी हैव डिस्कवर्ड, विच रिगार्डिंग द टॉपिक्स विच वी हैव डिस्कस्ड इन द आर प्रीवियस वीडियो। तो क्वेश्चंस को आप देखते रहें, सॉल्व करते रहें, ठीक है, और प्रेप गुरु की यूट्यूब चैनल पे आप आएँ, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।